मुकाबला आएगा और पहली सत्र के हर मुकाबला पांच ओवर की मुकाबला देखने को मिल रहा है और दूसरा सत्र का जब मुकाबला आएगा यहां से चार ओवर का मुकाबला देखने को मिलेगा। आज के दिन के ऊपर कहीं कीर्तिमान इस मैदान के अंदर है। देखिए वीरेंद्र की कमाल की गेंदबाजी, एक रन खर्च किए और नीलजी टीम हार्डलॉक में कहूंगा इस मैदान के अंदर, क्योंकि पिछली टूर्नामेंट को अगर याद किया जाए ना तो वाकलैंड टीम के साथ में भी ऐसी उनकी हालत थी पिछली टूर्नामेंट इसी मैदान के अंदर। प्रमोद दादा मात्रे वहां पर नीलजी टीम है, अच्छी क्रिकेट खेलने के बावजूद भी शिकस्त हुआ था और आज भी देखिए जीत के कगार पर होकर है। लेकिन टाइगर टीम जिस टीम को आदत बन चुकी है, कहते हैं ना जैसे कहते हैं ना जीने के राह ने हमें पीना सिखाया और हार की राह ने हमें जीतना सिखाया, ये टाइगर टीम हमेशा हार की राह से जीत में बदलने की उन्हें आदत बन चुकी है। नागांव के मैदान के अंदर उसी तरह की क्रिकेट है तो टाइगर टीम कहीं भी मत जाइए क्योंकि इसके बाद आपको मुकाबला खेलना है, जो भी इस मुकाबला को विजय लाभ करेगा। हेलो 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 धन्यवाद। तो हमारे यहाँ पर दोपहर का सत्र है, हमारे बाकी कमेंटेटर लंच के लिए रवाना हो चुके हैं और हमारे स्कोरर संदेश भी रवाना हो चुके हैं और दूसरे स्कोरर जुट चुके हैं हमारे साथ में। इस बार जयस और उनके साथ ली बात है यहाँ पर यज्ञेश, तो दोनों का तहे दिल से स्वागत। तो इस मुकाबला की बात करेंगे ना, ये आज के दिन की बात करेंगे, पहली सत्र की आखिरी मुकाबला अंतिम मुकाबला। और ये देखिए कमाल की टाइमिंग, गेंद हवा में है, कोई फील्डर नहीं, वन बाउंस यानी एक टप्पा खाने के बाद मिड विकेट से मारेगा के बाहर चार रन। तो यहां पर गेंदबाजी की बात करेंगे तो अमर ठाकुर बाहुबली माने जाते हैं इस टेनिस क्रिकेट में, थाने डंबोली में हमेशा देखिए उनके जलजला मैदान के अंदर गेंदबाजी से लीजिए बल्लेबाजी से लीजिए। लेकिन यहाँ पर टॉस जीतने वाली टीम की बात करेंगे, सोनारपड़ा टीम टॉस जीते, यहाँ पर आज दे टीम को बल्लेबाजी के लिए न्योता दी। और ये देखिए कमाल की फुटवर्क का इस्तेमाल, यहाँ पर फील्डर के पास कोई मौका नहीं, पावर प्ले का गेप ढूंढने में कामयाब और एक निकला यहाँ पर दे दनादन चौका चौका। बिल्कुल देखिए आज दे टीम की बात करेंगे अमोल कालन, और देखिए क्या कमाल के बल्लेबाजी। आज दे की बात आती है तो नितिन कालन साहब जो हमारे कमेंटेटर आज और बेमिसाल यहाँ पर बल्लेबाजी देखिए, यहाँ पर लगातार यानी बैक टू बैक यहाँ पर तीसरा चौका, कहते ना आगाज अच्छी हो तो फिर अंजाम बेहतर। धन्यवाद डीजे। तो इसी बीच बुलाना चाहेंगे एक सोनारपड़ा के एक अच्छे खिलाड़ी, एक अच्छे आयोजक समीर पाटिल साहब, आपसे गुजारिश करते आइए हमारे आयोजक आपको याद करते हुए मंच के ऊपर तशरीफ रखिए समीर पाटिल साहब। तो बिल्कुल बात करेंगे समीर पाटिल साहब जिनकी टीम है नागांव के मैदान के अंदर कमाल की क्रिकेट खेले थे।
तो चलते इस बार इस मैदान की तरफ। यहाँ पर गेंदबाज दूसरी ऊपर, और ये देखिए बल्ले का निचला हिस्सा लिया, जब तक गेंद वापस आता तब तक बल्लेबाज के पास मौका मौका है पर बल्लेबाज के पास हमेशा रन चुराने का। एक रन, एक रनों के साथ टोटल देखिए जाकर पहुंच गया 15 रन। एक शुरुआत में कहूंगा अच्छी, 5 ओवर की मुकाबला, 30 गेंद की मुकाबला। अगर पिछले मैच को याद किया जाए तो फिर ये मैच में सनसनी मच सकता है। पिछले मैच में बात करेंगे ना, टारगेट की बात करेंगे, इतना बड़ा टारगेट नहीं था, 57 रनों की टारगेट थी। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कोई भी टीम अगर 55-60 के करीब पहुंच जाए ना, एक फाइट टोटल मिल जाता है जहां से उनकी गेंदबाजी फाइट कर सकते हैं। लेकिन तारीफ करना चाहूंगा वीरेंद्र की, क्या कमाल की गेंदबाजी भाई छा गई इस मैदान के अंदर। लेकिन इस मुकाबले में बात करेंगे, अमर ठाकुर पहले ओवर पर 14 रन खर्च किए हैं, कोई सफलता नहीं। और दूसरे ओवर पर देखिए गेंदबाज योगेश बात करेंगे तो ऑलराउंडर के एक टॉप 10 में जिनका नाम आता है, हमेशा गेंदबाजी बल्लेबाजी से कमाल दिखाते हैं, यानी वो 100 में 90% अपने टीम के लिए मेहनत दिखाते हैं। और ये देखिए उठाकर गेंद को खेला गया हवा में, फील्डर हैं लेकिन बन जाएंगे दर्शक आसमानी तूफानी गगन चुम्बी छक्का। और कमाल की यहां पर क्रिकेट दिखी है यहां पर, और इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, लगातार बैक टू बैक चौके छक्के लगाने की कोशिश थी, लेकिन यहां पर मुश्किल बनता हुआ पहला विकेट यहां पर गिरता हुआ। तो धन्यवाद डीजे मास्टर और कमाल की क्रिकेट दिखी है पर योगेश को सफलता मिलता हुआ। पिछले मैच को निलजी टीम भुला नहीं पाएगा लंबे समय के लिए। कहते हैं ना, जो वक्त के साथ बदल जाए उसे प्यार नहीं कहते, और जो बुरे वक्त में डर जाए उसे बाजीगर नहीं कहते। वक्त बुरा था टाइगर टीम के लिए, लेकिन वीरेंद्र की लाजवाब गेंदबाजी थी। पिछले मैच की बात किया मैंने, अगर इस मैच की बात करेंगे ना, अभी तक सोनारपुरा टीम ने बांध कर रखे हैं, शायद कुछ चौके दिखने को मिला है इस मुकाबला में, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर रनों में अंकुश लगा कर रखे हैं। और इस ओवर पर देखिए एक छक्के लगा, उसके बावजूद भी टोटल अभी भी रुका हुआ है 24 लॉस ऑफ 1 विकेट। दो ओवर का खेल समाप्त, अभी भी आने वाली 18 गेंद, तो ये 18 गेंद के ऊपर उनकी भी वो मंजिल सपना होगी। आज जो टीम टॉस हारे हैं, टॉस हारने का मतलब कहीं ना कहीं एक सदमा कहूंगा, एक हल्की सी जख्म चेहरे पे मायूसी आती है, क्योंकि टॉस जीतने वाली टीम को फायदा क्या होती है? एक तो पहले डिसीजन उनके पक्ष में रहता है गेंदबाजी या बल्लेबाजी, दूसरी चीज क्या होती है, जब मुकाबला बराबरी में होती है विकेट के ऊपर, अगर विकेट से नहीं होती है तो फिर टॉस के ऊपर मुकाबला को समाप्त किया जाता है। तो कहीं ना कहीं 25% टॉस के ऊपर भी मुकाबला को हम देख सकते हैं। लेकिन वहां आज की टीम ने टॉस हारने के बाद शायद मैं कहूंगा ठोस शुरुआत, जो टॉस हारे थे ना वो जख्म पर बेहतर मरहम लगा रहे हैं बल्लेबाज अमूल कालन। तो दर्शन उनके साथ साझेदारी बनाने में कामयाब हुए, लेकिन आखिरकार उन्हें डगआउट की तरफ आना पड़ा। 7 रन बनाए दर्शन, लेकिन उसके बाद बल्लेबाज धनश्याम, लेकिन ऑन द स्ट्राइक धनश्याम अभी, लेकिन नॉन स्ट्राइक पर अमोल अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। अमोल कालन, और ये देखिए भाई कमाल की गेंदबाजी, अमर ठाकुर बाहुबली क्यों माने जाते हैं, और देखिए ड्रेस कोड उनके अंदर अभी भी नहीं, पूरी प्ले 11 के अंदर देखिए 10 खिलाड़ी के अंदर टी शर्ट लेकिन उनके अंदर नहीं है, ऊंचे कट के साथ ताकतवर और बड़ी सफलता। तो देखिए यहाँ पर बड़े बल्लेबाज, मैं कहूंगा सेठ बल्लेबाज अभी तक मैदान करने डटे हुए हैं, लेकिन उनके साथ ही बल्लेबाज
लगातार विकेट की सिलसिला। तो आज देर टीम को ये सोचना होगा, अगर हमें एक अच्छे लक्ष्य, पहले आप ये नहीं सोच सकते कि हमें मुकाबला जीतना है। अगर आप मुकाबला जीतने की बात सोचोगे ना, फिर आपको तो हर गेंद के ऊपर चौके छक्के लगाना होगा। आपको यही सोचना है, हमें अच्छी एक लक्ष्य की तरफ पहुंचना है। जैसे टाइगर टीम देखिए 57 रनों के लक्ष्य रखे, शायद उनकी गेंदबाजी बेहतर हुई तो आपके दिमाग में भी यही चलना चाहिए, हमें 60-65 तक कैसे पहुंचनी है। तो पहले आपको ये सोचना चाहिए, हम दो ओवर में अच्छे रन आ चुके हैं, आगे की दो ओवर कैसे करने चाहिए। और ये देखिए यहाँ पर एक रन मिला, और जितनी एक रन मिलेगी फायदेमंद साबित होगी। लेकिन अमर ठाकुर की ये जो ओवर है ना, ये जो स्पेल है ना, ये थोड़ा मुश्किल बनाएगी, क्योंकि इस ओवर के बाद बल्लेबाज के पास मौका मिल जाएगा। आने वाला जो अंतिम 12 गेंद के ऊपर है ना, फिर आपकी काबिलियत हुनर आप दिखा सकते हो। लेकिन अगर इस ओवर पर आपने और एक दो विकेट डाल दिए ना, फिर बैकफुट पर चले जाओगे। कहते ना, इंसान का एक बार रेड की हड्डी टूट जाती है ना, तो फिर उन्हें खड़े उठने में काफी मुश्किल होती है। अमोल समझबूझ के क्रिकेट एक नावा की बात करेंगे, अमोल सलभी एक बेहतर क्रिकेटर जिनके नाम शतक और कमाल की अमोल नावा के लिए बेहतर करता है। लेकिन यही अमोल देखिए आज दे के लिए, अमोल एक अमोल कूल के जैसे मैं देख रहा हूँ, कूल माइंड बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं ठंडी दिमाग से। और क्रिकेट में ना हमेशा ठंडी दिमाग से बल्लेबाजी होनी चाहिए। क्रिकेट हो, राजनीति हो, कोई भी हो, घर की मामला हो, ठंडे दिमाग वाले है ना हर इंसान, हमेशा सोच समझ कर आगे बढ़ जाते हैं। और ये देखिए भाई जल्दबाजी की, मैं यही बता रहा था कि इस ओवर पर आपको जरूरत नहीं है बड़ी हिट खेलने की। भाई आपके सामने बाहुबली, जो टेनिस क्रिकेट में क्यों उन्हें बाहुबली कहा जाता है, और इस ओवर पर दूसरा सफलता। डीजे मास्टर यहाँ पर बल्लेबाज गलती किए, लेकिन अमर ठाकुर को मिला सफलता। इसलिए कहते हैं ना, कयामत है इस जमाने में किसी को दिल देना, तो उसी तरह के मुश्किल है अमर ठाकुर की बल्लेबाज में चौके छक्के लगाना। और ये देखिए दजाकत भरी बल्लेबाजी, देखिए अमूल कितने आसान लगाए चौके। अगर पिछले बल्लेबाज जो आउट हुए ना, अगर बात करेंगे यहाँ पर धन से, हम उन्हें सोचना चाहिए कि अमूल ने यहाँ पर ताकत नहीं लगाई, दिमाग लगाई, क्योंकि दिमाग में काफी ताकत होती है। 4 रन, तो चौके के साथ देखिए टोटल देखिए जाकर पहुंच गया यहां से 30 रन। तो 30 रन बच चुके हैं। मैं कहूंगा कहीं ना कहीं जो एक सपना होता है ना 60 तक पहुंचने का, वो आधार सफर कर चुके हैं। लेकिन अमोल अभी भी देखिए समझबूझ के क्रिकेट, बड़ा मजा आया उनकी बल्लेबाजी देखकर। लेकिन देखते हैं अमर ठाकुर बची हुई गेंद पर हमला करने की कोशिश थी, लेकिन यहां पर अमोल की गाड़ी फिर से चलता हुआ पम 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 पम, यानी 4 रनों के लिए। डीजे मास्टर जबरदस्त धूत मैदान के अंदर ड्रिंक्स। देखिए अब ड्रिंक्स के दौरान है ना, एक खिलाड़ी आपके मैदान के अंदर जा सकते हैं, बल्लेबाज से बातचीत कर सकते हैं, तंत्र मंत्रों के कान पर डाल सकते हैं, लेकिन जो भी करना है ना बल्लेबाज को करना होगा। कहते ना दिल ने न जाने कितना घायल हुआ, और एक अच्छे लक्ष्य की तरफ पहुंचने के लिए अमोल ने कितना बिस्लेरी पिया, ये शायद हमारे जो ड्रिंक्स टॉली गया ना मैदान के अंदर वो बता सकते हैं। तो यहाँ पर अमूल की बल्लेबाजी की बात करेंगे ना, कमाल की बल्लेबाजी, समझबूझ के क्रिकेट खेले अभी तक। लेकिन यहाँ से 12 गेंद के ऊपर वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ से 12 गेंद ऐसा जाए। लेकिन टोटल देखिए 34 अमूल पहुंचे हैं 25, दो विकेट खोने के बाद
लेकिन देखते हैं ये 12 गेंद के ऊपर क्या सोनार पड़ा टीम फिर से वापसी कर पाएगा। लेकिन जिस आज की टीम ने अभी तक 2 विकेट खोने के बाद एक सुरक्षित जगह पर है, मैं कहूंगा। लेकिन यहां से जो लक्ष्य मंजिल है, और हमेशा मैं कहता हूं ना, मंजिल तक पहुंचने के लिए तेजी से, कहते ना, रोने से मंजिल नहीं मिलता है, हौसले से मंजिल मिलता है। तो हौसला दिखाना होगा यहाँ पर बल्लेबाज को। और लेकिन देखते हैं क्या गेंदबाज आखिरी 12 गेंद के ऊपर दिखाएंगे 10 का दम। गेंदबाजी की बात करेंगे, गेंदबाज रितेश, गेंदबाज की बात करेंगे रिद्धेश गेंदबाज। और ये देखिए निगाहें कहीं निशाना कहीं, जरूरत नहीं मेरे को इस तरह के आपको चौके छक्के लगाना। आप अभी तो मैदान पर उतरे हो भाई, नजरें जमाइए पहले। कहते ना नए परिंदों को उड़ने में हमेशा समय लगता है, तो आपको थोड़ा वक्त लगेगा। जो परिंदा अभी तक मैदान के अंदर है ना अमोल, शायद उन्हें उड़ने का मौका दे दीजिए। ये देखिए किनारा लिया यहां पर किस्मत के साथ, तो एक रन एक चीज करना चाहिए थी शुरुआत गेंद से। अमोल तो यहां से जोखिम उठाएंगे, वो पीछे नहीं रुकेंगे। लेकिन अभी तक बात करेंगे ना अमोल, जिस तरह के बल्लेबाजी की, और मजा आ गया उनकी बल्लेबाजी देखकर। कहते ना जिंदगी अपने दम पे जी जाती है, क्योंकि औरों के धन्यवाद डीजे मास्टर। और देखिए अमूल के लिए एक बार हो जाइए जोरदार ताली, क्योंकि शायद उन्होंने अपने कंधों के ऊपर बहुत अच्छी जिम्मेदारी ले पाई। क्योंकि दूसरों के कंधों पे तो जनाजा उठाया जाती है, लेकिन यहाँ से वो तो जनाजा ही दोनों बल्लेबाज को उठाना होगा। क्योंकि ऊपर की बात करेंगे 3 गेंद हो चुकी है। रिद्धेश की तारीफ करना चाहूंगा, यहाँ पर सोनार पड़ा टीम के कप्तान ने एक जाल बिछाया, चेंजअप ऑफ द पेस, फिर की गेंद। ये गेंदबाजी है ना, गति से बल्लेबाज को बीट किया अमोल को और चलता गया, और विकेट कीपर भी लाजवाब। और ये देखिए गेंद को कवर के ऊपर से खेला गया, यहाँ पर फील्डर से दूर, एक रन तो आसान से मिलेगा, दूसरे के लिए जाना चाहेंगे। और देखते देखते सिंगल में डबल में कन्वर्ट करते हुए विकेट कीपर की बात करेंगे परेश, देखिए फुर्तीला दिखाए, एमएस धोनी का याद दिलाए। यहाँ पर काफी कम समय था, और उस कम समय के अंदर बल्ला जितना समय हवा में था उस दौरान स्टॉपिंग किए, कमाल की ऋषभ पंत। जिदे मौका अभी मिल रहा है एमएस की जगह में, देखते हैं वो अंजाम क्या देते हैं। और ये देखिए सीधा बल्ले से गेंद को खेला, नबीतुली गेंदबाजी, जितना तारीफ किया जाए उतना ही कम, ठोस गेंदबाजी मैं कहूंगा। लेकिन बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं दे रहे, लेकिन बल्लेबाज को अपना इरादा सोच बदलना होगा। जैसे कहते ना भाई, फूल तोड़ दिए तो कांटों को मत डरो, तो फिर बड़ी लक्ष्य की तरफ चलनी है ना, फिर गेंदबाजी की लेंथ को तोड़नी होगी आपको। और ये देखिए भाई छोटी गेंद से बीट कर रहे हैं, यानी छोटा गेंद जब भी करते हैं ना कंधों का इस्तेमाल करते हैं, यानी उछाल रहती है वो गेंद के ऊपर। तो ये सब चीज है ना सीखनी चाहिए, जो यंगस्टर इस मुकाबला को देख रहे हैं ना मैदान के अंदर या मैदान से बाहर, यानी जीटीसी लाइव। तेजस यहाँ पर है, बड़े एक अच्छे गेंदबाज है, माने रखे मैंने इसी मैदान के अंदर उनकी गेंदबाजी देखा। दापोली जैसे टीम को इतना आसान नहीं धूल चटाना, माने रे टीम है बिल्कुल सब, बड़ी कमाल की क्रिकेट है। लेकिन आज देखिए वो जीटीसी लाइव हम देख रहे हैं जलपेश भुईर, जिनकी कंधों के ऊपर कंधों को लिबाते हुए बेताब। और ये थोड़ी सी रनों के बारे में जिक्र करना होगा, 4 ओवर का खेल समाप्त, कंजूसी ओवर ही, 4 रन एक सफलता, और टोटल टीम की बात करेंगे 38। जीटीसी की बात करेंगे तेजस भुईर, देखिए यहाँ पर पूरी तरह से जियो जान लगाते हुए, शाम मात्रे संडे मोरे अक्षय कड़ू ओमकार भाकू भुईर, यहाँ पर देखिए पूरी तरह से उनके कैमरा मैन भी यहाँ पर कमाल के यहाँ पर इस मुकाबला को दूर दूर तक पहुंचाते हुए। लेकिन ये सब चीज हुआ कैसे, तो इन आयोजकों का भी तारीफ होना चाहिए। जैसे में राजेश मात्रे साहब लो, विजय मात्रे साहब लो, जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज उनकी तरफ से हम देख रहे हैं इस टूर्नामेंट के लिए। प्रवीण पाटिल सब, किशोर पाटिल सब इस टूर्नामेंट में लगाए 4 चांद, यानी मुक्त डबल प्रोस चषक 2018 जिनके नाम से। और ये देखिए भाई अच्छी गेंदबाजी, लेकिन जय हनुमान क्रिकेट क्लब मोटी देसाई की भी तारीफ करना चाहूंगा, उनकी कमेटी जो उनकी युवाओं को मैं देखा ना यहाँ पर लगातार कल से आकर देख रहा हूँ, मेहनत देखिए उनकी मेहनत भी यहाँ पर रंग लाता हुआ, और ये मेहनत कल आखिरी दिन। और ये देखिए गेंद को हल्के हाथों से खेला, यहाँ पर जब तक गेंद वापस आता तब तक दोनों बल्लेबाज एक रन मुकम्मल करते हुए दूसरे रन के लिए यहाँ पर घूमते, और देखते देखते यहाँ पर दूसरा रन ओवर थ्रो, और तीसरे के लिए शायद नहीं 2 रनों से यहां पर संतुष्ट, यानी तीसरे के लिए बल्लेबाज रन आउट।
हेलो, क्या बात है मंदा भाई, जो इस साल दो साल से लोगों को दिल में छाने वाला संगीत है। तो यहाँ पर नए बल्लेबाजी की बात करेंगे ना, ऐसा बल्लेबाज को पीछे से देखकर लग रहा है अमर ठाकुर उतर गए मैदान के अंदर, लेकिन ये अमर ठाकुर नहीं है, ये भाई हैं नीलेश। क्योंकि अमर ठाकुर के देखिए ड्रेस कोड जिनकी शरीर से मजबूर हो गई, लेकिन इनकी भी देखिए अमर ड्रेस कोड ब्लैक ड्रेस कोड के साथ। लेकिन अमर ठाकुर बनने के लिए काफी मेहनत करना होगा नीलेश को, ऐसा नहीं क्रिकेट है, आज शायद आपके लिए वक्त बुरा है कल बेहतर हो सकता है। तेजस जी हमने क्रिकेट में देखे हैं कई मर्तबा, कहते हैं ना खुद को जो राजा कहते तो वो फकीर बन गए और जो फुटपाथ पर रहते थे वो अमीर बन गए। बड़े बड़े खिलाड़ी इस टेनिस क्रिकेट में ढेर हो गए और नए नए चेहरे दुबई तक पहुंच गए। तो ये क्रिकेट का दस्तूर है, क्रिकेट में घमंड मत करिए। और देखिए आज दे टीम के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर बेहतर काम होता हुआ और एक यहाँ पर नीलेश के बल्ले से निकला दे दनादन चौका। धार से आज तो टक्कर देंगे अमर ठाकुर से, बिल्कुल भाई तैयार हैं टक्कर देने के, लेकिन टाइमिंग इतना बेहतर नहीं, फील्डर हैं लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर और पांचवी गेंद के ऊपर बड़ा विकेट है। और ये देखिए कमाल की गेंदबाजी, तारीफ करना चाहूंगा आज दे टीम के समर्थक थोड़ा सा नाखुश होंगे, अगर हमारे साथी कमेंटेटर नितिन कालन जी भी इस मुकाबला को देख रहे होंगे ना उनकी भी थोड़ी सी चेहरे पे मायूस हो रहेगी, दोपहर की जो लंच है ना उनके लिए भी थोड़ा, क्योंकि टीम जब खेलती है। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ये चौका बता रहा है वही हम संघर्ष करने को तैयार है, लेकिन कितना लक्ष्य यहाँ पर बच गई 48 जीत के लिए बात करेंगे, 49 रनों का जरूरत है, लेकिन टेनिस क्रिकेट में ये 49 रन भी बचाया जाता है। लेकिन सबसे पहले कहते ना सेनापति दत्ता ठाकुर योगेश पाटिल अमर जैसे ये बल्लेबाज को अगर रोक लगाते हैं ना तो फिर ये 49 रनों का टारगेट मुश्किल बन सकता है। तो डाइगर टीम के कप्तान आपको उपस्थित रहना होगा जैसे ये मुकाबला समा, तो बिल्कुल इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा ये मुकाबला के बाद निर्णय किया जाएगा, क्योंकि काफी टीम आज है काफी जगह क्रिकेट काफी टीम है काफी बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं। तो चलते हैं यहाँ पर समय वक्त है 49 रनों का टारगेट यहाँ पर सोनारपुरा टीम किस तरह के हासिल करता है, लेकिन उस टारगेट के पीछे जाने से पहले एक बार हम चलते हैं होम साइड डीजे साउंड सिस्टम अमर के पास। मास्टर्स इसलिए आपको रोकना पड़ा हमें क्योंकि आज के दिन के ऊपर काफी मुकाबला, अभी दूसरा सत्र का 3 मुकाबला बचा हुआ है इस मुकाबला के बाद, तो इसलिए थोड़ा समय सोनारपुरा टीम की दोनों सलामी बल्लेबाज कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा, जल्द से जल्द दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर भेजिए और फील्ड का रचना कीजिए आज दे टीम। तो बिल्कुल यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर
देखिए साई सेलर बड़े नाम बड़े पहचान आज के दिन के ऊपर उनकी टीम ने कही कीर्तिमान यानी फाइनल तक पहुंचे। अगर मैदान के अंदर हैं तो साई सेलर आपसे गुजारिश करते हैं आइए। एक नगर सेवक भी बिल्कुल से और एक बेहतर खिलाड़ी साई सेलर साहब आइए अगर आप मैदान के अंदर हो तो। और उन्होंने देखिए यहाँ पर इनाम कितने बड़े यहाँ पर लगाए गेंदबाज के लिए। केशव कालन की बात करेंगे, अगर उन्होंने पावर प्ले के दौरान 2 रन खर्च किए तो फिर उन्हें 2000 का इनाम, क्योंकि साई सेलर भी समझते हैं एक क्रिकेट के मुताबिक अगर देखा जाए तो अगर 2 रन पहले ओवर पर कोई गेंदबाज खर्चा करता है ना तो ये जो 49 रनों की टारगेट है ना ये कहीं ना कहीं लगेगी उसके बाद की 60 रनों का लक्ष्य। देखिए कई तरह के इंसान होते हैं यहां पर। बात करेंगे बड़ी टूर्नामेंट स्वर्गीय शिवाजी दादा सेलर स्मृति चषक हमने देखी यूट्यूब के माध्यम से एक सफल टूर्नामेंट हर साल इस साल भी बेहतर और मेहनत दिखाते हुए यादों को ताजा करते हुए यहाँ पर जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया के ऊपर कहीं कीर्तिमान और जिनकी यादों में आज भी हर मैदान के अंदर जब भी खांबल पड़ा टीम किसी भी मैदान के ऊपर उतरती है बिल्कुल स्वर्गीय शिवाजी दादा सेलर से जिनको याद किया जाता है। और अभी तक खांबल पड़ा टीम इस मैदान के अंदर कमाल की क्रिकेट खेली, पहले ऐसी टीम बन गई जिन्होंने फाइनल तक पहुंच गए और काफी मेहनत से, क्योंकि उस टीम में काफी खिलाड़ियों ने और उभरता हुआ सितारा में तारीफ करना चाहूंगा गणेश ने जिस तरह की बल्लेबाजी इस मैदान के अंदर दिखाई खास करके खांबल पड़ा टीम के लिए युवा चेहरा और मिलिन की गेंदबाजी। लेकिन इस मुकाबले में बात करेंगे यहाँ पर तो विनोद कालन से यहाँ पर गेंदबाजी की शुरुआत है, लेकिन देखिये पहली गेंद के ऊपर दे दिए एक तोहफा बल्लेबाज के लिए चौका। डोंबिवली शरत होती नावाची आग, कल्याण डोंबिवली शरत होती नावाची आग, राकेश मात्रे दत्ता ठाकुर की शुरुआत। मुझे मेरे तो ये पसंदीदा खिलाड़ी है, जब भी मैं इस इलाके में इस टीम के साथ होता हूँ ना दत्ता ठाकुर की बल्लेबाजी काफी मजा आती है, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी जब भी देखता हूँ ना मुझे रायगढ़ के फिनिशर भारतीय कामले की याद आ जाती है, यानी ग्राउंड द शॉट हमेशा खेलते हैं। और एक उनके प्ले से निकला खूबसूरत यानी नजाकत क्रिकेट की चौका। और कहते हैं ना इसे कहा जाता है दोस्तों, अगर दोस्ती नजरों से हो तो उसे जन्नत कहते हैं, अगर शुरुआत चौके छक्के से हो तो उस बल्लेबाज को वीरेंद्र सहवाग कहते हैं, जिस वीरेंद्र सहवाग ने पावर प्ले में बताया था कि कैसे बल्लेबाजी करना चाहिए। और दत्ता इस बार हल्की हाथों से गेंद को खेला, रूम नहीं मिला बल्लेबाज को, क्योंकि गति में इस बार बदलाव किए थे विनोद कालन और गति से बीट के बल्लेबाज को 9 रन। अगर इसी हिसाब से रन बनाते हैं तो फिर ये जो लक्ष्य है ना 49 रन ये काफी आसान काफी छोटा लगेगा, लेकिन क्रिकेट है दोस्तों, क्रिकेट में कहना काफी मुश्किल है। अगर पिछले मैच को हम याद कर लेते हैं जो नीलजे टीम को 6 गेंद के ऊपर 4 रनों की जरूरत थी और गेंदबाज वीरेंद्र ने क्या कर डाले मैदान के अंदर, आगे लगा दिए बिल्कुल से 1 रन खर्च किए। और टाइगर टीम के तो काफी समर्थक हमेशा उनके टीम के साथ होते हैं। और देखिए योगेश को बीट किया यहाँ पर लेग विफर की अपील जिसमें उत्साहित तो दिखाई दे लेकिन विश्वास कम। अगर यहाँ पर एकाक विकेट मिलता ना मैं कह सकता था थोड़ा दबाव होता, क्योंकि ये दोनों विकेट मैच का बड़ा विकेट हो सकते हैं। और उसके बाद अमर ठाकुर के ऊपर, क्योंकि अमर ठाकुर एक ऐसे बल्लेबाज है चाहे आपको जीत दिला के जाएंगे नहीं तो खुद जीत कर जाएंगे, वो ऐसे खिलाड़ी है उनके ऊपर आप पूरी तरह से निर्भर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो बल्लेबाज है ना ये अगर समय बिताएंगे ना फिर मुकाबला को फिनिश करके जाएंगे। तो एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन व्हाइट की इजाफा, अरे 1-1 रनों से यहां पर टोटल आगे बढ़ता हुआ। और ये देखिए दत्ता योगेश ने यहां पर देखिए सीधा बल्ले नहीं आड़े बल्ले से लगा दिए 6 रन। तो विनोद कालन यहां पर पावर प्ले में देखिए पहला ओवर
और खर्चे कर चुके हैं अभी तक 16 रन। तो ओवर की बात करेंगे ना, अभी भी आखिरी गेंद है, तो यहाँ से मुकाबला सोनारपड़ा टीम पूरी तरह से पकड़ बनाता हुआ। और ये देखिए फुलटेज बनाकर गेंद को खेला गया, शॉर्ट सिलिमिटन तैनात है, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज खूबसूरत साथ एक रन चुराते हुए एक रनों के साथ ओवर की समाप्ति। और पहली ओवर की खेल समाप्त होने के बाद टीम का टोटल बात करेंगे 17 रन। और मैदान के अंदर बात करेंगे दो अंपायरिंग की, जो इस मुकाबला के लिए रुपेश मात्रे जो इस टूर्नामेंट के आयोजक भी हैं और अच्छी अंपायरिंग की भूमिका और उनका साथ निभाने के लिए यहाँ पर दूसरे अंपायर योगेश पाटिल साहब, बिल्कुल उनका भी तहे दिल से स्वागत है। तो पहला ओवर का खेल समाप्त, तो टोटल की बात करेंगे 17 रन। चलते हैं डीजे के पास। चलिए यहाँ पर एक ओवर का खेल समाप्त। रुपेश जी थोड़ा पानी पिला दीजिए, दो दिन से आप काफी पिला रहे हो हमें, आज अंतिम दिन है हमारे लिए, क्योंकि काफी जगह काफी टूर्नामेंट है कल होंगे घोड़चाल के मैदान के ऊपर, क्योंकि आजकल थाने रायगढ़ काफी जगह आयोजकों का प्यार बिल्कुल तारीफ करना चाहूंगा मैं, जिन्होंने हमें लगातार इस महाराष्ट्र में जिस प्यार की ताकत से तेजस्वी आज हम इस मुकाम तक है, क्योंकि हमें भी माइक्रोफोन पकड़ने के ज्यादा शौक नहीं थे, हम भी एक क्रिकेटर थे, लेकिन शायद हमारा खेल किसी ने देखा भी नहीं, बोलने से भी यकीन नहीं होगा लेकिन। और ये देखिए भाई नजा कदरी बल्लेबाजी योगेश, इस जिस तरह की यहाँ पर टाइमिंग यानी कवर ड्राइव खेले नहीं, यहाँ पर ऑफ साइड ऑफ ड्राइव यानी 4 रन। और ये देखिए भाई गेंदबाजी को यहां पर खिलवाड़ करते हुए योगेश पाटिल के बल्ले से निकला और एक दे दनादन चौका। झूमा सा तल मलते हाँ तुझे भेटी साठी गोए, झूमा सा तल मलते और यहाँ पर देखिए बल्लेबाज लगातार रन बहा रहे हैं, यहाँ पर मुश्किल तो बन जाएगा अगर इस तरह के रन बहाते रहे तो। तो टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए अभी भी 25 रनों के ऊपर। योगेश पाटिल यहाँ पर इस मैदान के अंदर आग उगलते हुए गेंद को रोकने में तो कामयाब हुए, लेकिन बल्लेबाज को एक रन से नहीं, कमाल की क्रिकेट यहाँ पर एक सफल टीम बनते हुए सोनारपड़ा टीम। बात करेंगे जब भी किसी मैदान के ऊपर होते हैं ज्यादा जीत का उम्मीद रहता है, अगर इंटरनेशनल में बात करेंगे ना महेंद्र सिंह धोनी जो उनकी कप्तानी 199 मैच में 110 मैच जीतने का रिकॉर्ड, तो इसी तरह की सोनारपड़ा टीम हम देखते हैं ज्यादा प्रतिशत उनकी मैच जीतने की, अगर उसके बाद बात करेंगे ना महेंद्र सिंह धोनी के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन 174 मैच पर 90 मैच जीत, उसके बाद याद कर लेते हैं सौरभ गांगुली 146 कप्तानी में 76, उसके बाद याद कर लेते हैं राहुल द्रविड 79 मैच में जिन्होंने 42 जीत। तो यहां पर देखिए देर से आया लेकिन दुरुस्त आता हुआ। धन्यवाद डीजे मास्टर। नितिन कालन जी के चेहरे पे हल्के से मुस्कान आई क्योंकि पहला विकेट यहाँ पर गिरा एक आज देखे हैं नितिन जी, लेकिन एक कमेंटेटर होने के मुताबिक वो तो चाहेंगे क्रिकेट जो बेहतर खेले वो बेहतर जीते। 26 रनों के ऊपर और गेंदबाजी अब फिर से एक बार तैयार। और ये देखिए अच्छी गेंद और जिस गेंद को बल्लेबाज को किया चारो खाना चीत। तो बात करेंगे आज विराट कोहली की टीम भी हम देखते हैं हिंदुस्तान के लिए कई मुकाबला जीतते हुए रेस में आएंगे वो। और ये देखिए कमाल गेंदबाजी और ओवर की समाप्ति, यहाँ पर दो ओवर की खेल समाप्त। दो ओवर की समाप्ति के बाद टोटल की बात करेंगे ना, टोटल रुका हुआ है 26 रनों के ऊपर। लक्ष्य की बात करेंगे ना 49 रनों के टारगेट, यानी अभी भी जीत की बात करेंगे ना यहाँ से
23 रनों की जरूरत है। आने वाली गेंद की बात करेंगे ना 18 गेंद के पर, और हमने बात कर रहे थे एक के सफल कप्तान हिंदुस्तान टीम के लिए महेंद्र सिंह धोनी। अगर बात करेंगे ना सबसे पहले जो वर्ल्ड कप आया था कपिल देव की कप्तानी में, जिन्होंने 74 मैच में कप्तानी किए थे और 39 मैच जिसमें जीते थे, तो यहां पर बात करेंगे दो ओवर का खेल समाप्त। तो चलते हैं एक बार, चलिए फील्ड प्लेसमेंट कीजिए डीजे। धन्यवाद डीजे मास्टर। देखिए दो ओवर का खेल समाप्त, दो ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन। अगर बात करेंगे ना इंटरनेशनल में सबसे शतक लगाने वाले खिलाड़ी, शतक अर्धशतक सचिन तेंदुलकर के नाम सबसे पहले, विराट कोहली, रेकी पॉन्टिंग, सनत जयसूर्या, हासिम आमला, ऐसे टॉप 5 बल्लेबाज जो इंटरनेशनल के दुनिया के ऊपर काफी मर्तबा रिकॉर्ड है। लेकिन इस मुकाबले में अभी तक बात करेंगे मजा पूरी तरह से सोनारपड़ा टीम के लिए बनता हुआ, क्योंकि उन्हें जीत के लिए केवल 23 रनों की जरूरत है 18 गेंद के ऊपर। आज की टीम अभी भी संघर्ष करता हुआ, ऐसा नहीं कि वो आसान से मुकाबला को जाने देगा। और आज की टीम चाहेंगे यहाँ से किस हालत से योगेश का विकेट मिले। जब अगर योगेश का विकेट गिरता है ना यहाँ पर फिर मुकाबला में बनेगा, क्योंकि निर्जी टीम अगर मुकाबला हारे तो योगेश पाटिल का विकेट जाने के बाद जो 6 गेंद के ऊपर 19 रन बनाए थे, एक सेठ बल्लेबाज आउट होने के बाद टीम की हालत क्या होती है, वो निर्जीत टीम जो पिछली मैच इस मैदान के ऊपर हुआ, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। तो ये योगेश पाटिल सोनारपड़ा का अगर इस समय विकेट मिलता है तो आज की टीम तो एक मौका बन सकता है। और देखिए जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं मुझे नहीं लगता है वो कोई मौका बनाने देंगे गेंदबाज या फील्डर के लिए। आसान से लिया 4 रन। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं फिर से एक बार मैदान की तरफ। यहाँ पर कमाल के क्रिकेट मुकाबला में तो इतना मजा नहीं, क्योंकि लगातार सोनारपड़ा टीम की तरफ से बल्लेबाजी कमाल की देखने को मिल रही है। और ये देखिए गेंद को हल्की हाथों से खेला, जब तक गेंद वापस आता तब तक बल्लेबाज के पास मौका 1 रन। और देखिए हमारे अंपायर यहाँ पर रमेश मात्री साहब आ चुके हैं लंच के बाद दोपहर के। तो टोटल की बात करेंगे, टोटल 31 रन। तो ये देखिए भाई उठाकर गेंद को खेला गया, हवा में गेंद, फील्डर थे लेकिन रुकने का मौका नहीं, देखने का मौका, 4 रन। धन्यवाद डीजे मास्टर। देखिए डीप स्क्वायर लेकर रुपेश मात्री तो चाहते होंगे मुकाबला जल्दी समाप्त हो जाए, क्योंकि दोपहर की जो कड़ी धूप है ना उनके चेहरे पर धूप कम पड़े, क्योंकि अभी शादी की कगार के ऊपर हैं, कहीं गोरा चेहरे पे काला ना पड़ जाए। और ये देखिए यहाँ पर खास मित्र हैं हमारे इसलिए मजाक कर लेते हैं, नहीं तो ये आज के जमाने में मजाक करना भी इतना आसान नहीं रहता है भाई। तो टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमने देखे इस टूर्नामेंट में काफी कम समय दे रहे हैं। और टोटल की बात करेंगे ना, टोटल यहाँ पर 36 रन, क्योंकि इंसान के कहेंगे तो पहली तो एक जिंदगी उनकी है, अगर दूसरी जिंदगी बात करेंगे वो शादी के बाद दूसरी जिंदगी की शुरुआत होती है, वहां से कैसे गुजरेगी वो तो अंदाजा लगाना मुश्किल है। क्योंकि काफी खिलाड़ियों से मेरा बातचीत हो चुका है, बड़े बड़े खिलाड़ी, मुकेश ठाकुर से एक बार बातचीत हुआ, ओमकार पाटिल से भी, क्योंकि कहते हैं ना जब शादी के बाद है ना बल्ला पकड़ना थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि घरवाली का भी कुछ सुनना पड़ता है, क्योंकि पैसे भी चाहिए ना क्रिकेट यहाँ पर बल्ला पर। तो इसलिए कुछ खिलाड़ी ना जो महाराष्ट्र में हम देखते हैं क्रिकेट के पीछे काफी युवा 25-30 साल तक चले जाते हैं क्रिकेट, पहले अपने क्रिकेट से शौक मजा ले लेते हैं।
चलिए भाई, मुकाबला में थोड़ा इतना मजा नहीं है इसलिए दुनियादारी की बात हो गई, लेकिन अब मुकाबला के बारे में भी थोड़ी बात करनी होगी। तीन ओवर के खेल समाप्त, तीन ओवर के समाप्त के बाद टोटल की बात करेंगे ना, टोटल 38 रन और जीत की बात करेंगे ना, यहाँ पर 49 रनों की जरूरत है, तो यहाँ से केवल 11 रनों की जरूरत है आने वाली 12 गेंद के पर। क्या होगी मुकाबला की हालत है, ड्रिंक्स के बाद हम फिर से आपके पास लौटेंगे, तब तक के लिए चलते हैं डीजे मास्टर के पास। हेलो धन्यवाद डीजे मास्टर। तो टोटल की बात करेंगे, देखिए टोटल यहाँ पर 38 के ऊपर रुका हुआ है, तो बात करेंगे जीत की बात करेंगे तो यहाँ पर 12 रनों की जरूरत है आने वाली 12 गेंद के बाद। तो टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया के बीच में, कुछ टेस्ट रिकॉर्ड देना चाहूंगा दर्शकों के सामने, क्योंकि टेस्ट मुकाबला में बात करेंगे ना सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ये तो सब वाकिफ है, जो श्रीलंका के मुरलीधरन जिन्होंने 800 विकेट हासिल किए, उनके बाद अगर नाम आता है तो लेग ब्रेक शेन वॉर्न जिन्होंने 708 विकेट लिए हैं, अगर उसके बाद नाम आता है ना हिंदुस्तान टीम के अनिल कुंबले जिन्होंने 619 विकेट लिए हैं और उनका बेस्ट बोलेंगे ना 10 विकेट एक इनिंग्स में 74 रन लुटाकर, ग्लेन मैकग्रास जिनके नाम 563 विकेट, उसके बाद एंडरसन जो इंग्लैंड के 500 विकेट, लेकिन हिंदुस्तान टीम के लिए अनिल कुंबले एक अच्छी गेंदबाज जादूगर लेग ब्रेक के, और उनके जाने के बाद कहीं गेंदबाज जैसे रविचंद्र अश्विन लीजिए, कुलदीप यादव, लेकिन कुंबले बनने के लिए काफी मेहनत करना होगा। तो इस गेंद की बात करेंगे, अभी भी 12 गेंद जीत की बात करेंगे, 11 रन है, क्या आज दे टीम फिर से इस मुकाबले में यहाँ पर पलटवार कर पाएगा, या जो योगेश अभी तक ऑन द स्ट्राइक नहीं नॉन स्ट्राइक पर है, लेकिन स्ट्राइक के बल्लेबाज देखिए अमोल ने यहां पर लगा दिया यहां पर एक अमोल कुल चौका। देखिए यहां पर अमोल ने लगा दिया एक बेहतर चौका और टोटल जाकर पहुंच गया 42 रन, 7 रनों की केवल जरूरत है। और ये देखिए आज दे टीम के गेंदबाज ऐसा नहीं हम कहेंगे संघर्ष कर रहे हैं, आज दे टीम अगर इस मुकाबला को जीतना चाहता ना, इस पूरे टूर्नामेंट में अगर बना रहना चाहता है ना, उन्हें और भी 100 में 90 प्रेशर यहाँ पर गेंदबाजी फील्डिंग दिखानी होगी। और देखिए इस बार शॉर्ट लिमिट में तैनात किया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर गेंद हाथों पर पूरी तरह से आता तो फिर मौका बन सकता था यहाँ पर। तो टोटल की बात करेंगे, देखिए 5 रन आ चुका है इस ओवर पर, तो टोटल जाकर पहुंच गया यहां पर 43 रन, तो जीत की बात करेंगे ना 6 रनों की जरूरत है, 6 रनों की जरूरत। अगर पिछली मैच जिस हिसाब से मैदान के अंदर देखा गया, यहां पर योगेश ने गेंद को खेला, यहां पर फील्डर रोकने की कोशिश है, लेकिन मौका उनके पास पूरी तरह से नहीं था। 4 रन तो बुलाना चाहेंगे टाइगर टीम के कप्तान आइए अगले मैच के लिए, और यहां से जो टीम जीतेगा उसके साथ मुकाबला। तो जीत की बात करेंगे, यहां से केवल 2 रनों की जरूरत है टाइगर टीम के कप्तान, आइए देखिए यहां पर योगेश पाटिल, यहां पर ईमानदारी की क्रिकेट, लेकिन टीम सुरक्षित स्थान पर। धन्यवाद। 12 गेंद के पर 27 रन योगेश पाटिल के लिए जोरदार ताली, क्योंकि उस बल्लेबाज ने बता दिया, प्रवीण सर जैसे कई इंसान ऐसे होते हैं ना, सोचते हैं कि मरने से पहले मैं हर कर्जा चुका दूं, तो ये बल्लेबाज ने देखिए आउट होने से पहले टीम का है ना जीत का रास्ता खोल कर आ गए बल्लेबाज। अमर ठाकुर को यहां पर मौका दिया गया है, लेकिन शायद अमर ठाकुर मैं कहूंगा दबाव नहीं होगा, एक मौका दिया गया कि इस मैच में एक बड़ा हिट लगाओ और अगला मुकाबला के लिए तहलका मचाओ, यानी डर पैदा करो आने वाली टीम टाइगर टीम। इसके बाद आएगी जो टीम है सोनार पड़ा टीम को,
सामने यहाँ पर होंगे। और देखिए अमर ठाकुर यहाँ पर, मैं यही बताया कि क्रिकेट में कोई भी भविष्यवाणी करना आसान नहीं, लेकिन अभी तक ये भविष्यवाणी देखने को मिल रहा है कि सोनार पड़ा टीम जीत के कगार पर है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी समय के लिए आज देर टीम ने उस मुकाबला को रुकाए हैं। क्या बात है, यहाँ पर छह गेंद जीत की बात करेंगे तो दो रनों की जरूरत है। देखिए यहाँ पर टाइगर टीम, पूरी टीम यहाँ पर कप्तान ने, कप्तान के साथ टीम सागर बड़े खुश हैं। अच्छे खिलाड़ी है, खूबसूरत चेहरे हैं उनके साथ, खूबसूरत क्रिकेट बल्लेबाजी करते हैं, अपने टीम के लिए शुरुआत देते हैं। संतनु जो टाइगर के टाइगर माने जाते हैं, मैन ऑफ द सीरीज बने नागांव के मैदान के अंदर, और वो टीम अभी है। इसके बाद आगे के मुकाबला, अगर हैट्रिक लेते हैं तो फिर केशव कालन जिनके लिए इनाम लगाता, रविंद्र कालन सब की तरफ से यहाँ पर इनाम लगा, लेकिन मुकाबला यहाँ पर समाप्त होता हुआ। और देखिए नितिन कालन जी, उनके चेहरे पे मुस्कान है, इसलिए मुस्कान है, टीम उनकी तो हारी लेकिन वो रहेंगे इस टूर्नामेंट में अभी तक आखिरी दम तक। कहते हैं ना, जीत मिले ना मिले लेकिन दिल तो मिलना चाहिए। सोनार पड़ा टीम आगे बढ़िए।